एक दो क्वेश्चन और कर दो सर, फिर हम 10-15 करेंगे, तो उससे ना हमारी रेशियो कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहीं बैठे बैठे आज हम रेशियो कैलकुलेशन खत्म कर देंगे। RSM, our partners 2:2:1, RSM 2:2:1, तो ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। एम डिसाइड्स टू रिटायर, नाउ हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय RNS, उसमें था द शेयर इज टेकन ओवर इक्वली, अब एक स्पेसिफिक रेशियो है, कौन रिटायर हो रहा है, एम, तो एम को हाईलाइट किया, अब एम का शेयर टेक ओवर करा किसने, आर और एस ने, आर कितना ले रहा है, 1/3, 2/3, अब आप बताएं मुझे मिस्टर आगम कि अब हम ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल गेन, पहले कैलकुलेट होता है कि कौन कितना टेक ओवर कर रहा है, तो आर का निकालना है मुझे, तो आर का एक्चुअल गेन कैसे कैलकुलेट होगा बोलेंगे, एम रिटायर हुआ है, कौन रिटायर हुआ है, ध्यान से सुनो ना, क्या रॉकेट की तरफ आगे जा रहे हो, रिलैक्स, कौन रिटायर हुआ है, एम का शेयर क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 1/5 होगा ना, उसको छोड़ के सब कुछ बोल दिया आपने, आराम से कोई उसमें प्लीज, 1/5, 1/5 को बांटना है हमने, तो स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है, 1/5, 1/5 को बांटना है किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, तो 1:2 क्या है, हमें गेनिंग रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, ये गेनिंग रेशियो, तो आर को मिलेगा 1/5 का 1/3, एस को मिलेगा 1/5 का 2/3, तो 1/15, 2/15, कोई भी डाउट, तो एक्चुअल गेन आ गया, नेक्स्ट स्टेप गेनिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है, हाँ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो रिक्वायर्ड ही नहीं है कैलकुलेट करना, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो नेक्स्ट स्टेप है मेरा न्यू रेशियो फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो प्लस गेन प्रॉफिट शेयर, गेन्ड प्रॉफिट शेयर, तो आर का ओल्ड रेशियो आर 2/5 प्लस 1/15, कौन गया, एम, एस का 2/5 प्लस 2/15, तो 15, 5, 3, 6 प्लस 1, 7/15, 15, 5, 3, 6 प्लus 2, 8/15, तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 7:8, कोई भी डाउट, इजी।